अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं मारिया फरहान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो है फैशन कलर के बारे में। तो मैंने जो क्यूने 1517 नंबर की एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी क्यूने फैशन शेड के बारे में, ठीक है, क्यूने का जो फैशन कलर है ये क्या कलर है 15-17, और इस पे ये जो 1:2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर हम एक ही ट्यूब यूज़ कर रहे हैं तो इसमें डबल क्वान्टिटी में वॉल्यूम यूज़ होगा, ठीक है। तो क्यूने 15-17 की वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है। 15-17, 15-11, 15-19 ये वो शेड्स क्यूने कंपनी ने निकाले हैं जिनसे हम डायरेक्ट लिफ्टिंग कर सकते हैं, मतलब के बग़ैर कट डाउन के हम लाइटर टोन में जा सकते हैं। तो अगर तो आप अपने हेयर्स पे को लाइट ब्राउन, कैरमल ब्राउन, लाइटर टोन में लेके जाना चाहते हो विदाउट कट डाउन के, तो आप ये कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस टाइम 8.19 और 9.1, ठीक है, ये कलर भी, इन कलर से भी आप फैशन शेड हासिल कर सकते हैं। और मुझसे जो कमेंट्स में पूछा जा रहा था कि क्या इससे हम ग्रे कवरेज कर सकते हैं, तो इससे ग्रे कवरेज नहीं होगी, ठीक है, ये फैशन कलर है और ये लाइटर टोन में लेके जाएगा, इसलिए इससे ग्रे कवरेज नहीं होगी। तो अगर आपने ये 1517 यूज़ करना है कलर, तो साथ में ग्रे कवरेज भी करनी है, तो आप सारी लेंथ पर ये कलर अप्लाई कर सकती हैं विथ 30 वॉल्यूम, ठीक है। अगर तो आपके बालों पे पहले से कोई कलर या कोई चीज़ लगी है तो आप 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगी, अदरवाइज़ आप 40 वॉल्यूम यूज़ करेंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन कर रहे हो तो आप 40 वॉल्यूम के साथ करोगे पूरी लेंथ पे, लेकिन रूट्स में कोई भी कलर ट्यूब आप यूज़ कर लें, आपने 20 वॉल्यूम यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा अगर ग्रे कवरेज करनी है तो जैसे मेरे पास अभी ये 6 UC का कलर मौजूद है क्यूने का, क्यूने कंपनी का UC के शेड्स 8 तक मौजूद हैं, आप 7-8 के नंबर भी यूज़ करके विद 20 वॉल्यूम ग्रे कवरेज इससे कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे ग्रे कवरेज करनी है आप वहाँ पे क्यूने UC का, अगर 15-17 यूज़ कर रहे हैं तो 8 UC की ट्यूब यूज़ कर लें ग्रे कवरेज के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें डबल क्वान्टिटी में वॉल्यूम ऐड होगा, इसमें डबल है उसमें सिंगल ऐड होगा, ठीक है। मतलब कि अगर इसमें मैं एक ट्यूब में 2 वॉल्यूम की बॉटल्स डाल रही हूँ, 120 ml वॉल्यूम डाल रही हूँ, तो बाकी इन कलर्स में सिर्फ 60 ml की ट्यूब में 60 ml ही वॉल्यूम ऐड होता है। तो मुझे कमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा मैं इतनी डिटेल में नहीं बता सकती। अगर आप फैशन शेड भी करना चाह रहे हो तो आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं, 15-17, क्यूने 8.3, क्यूने 9.1, क्यूने 8.19, ये सारी ट्यूब्स आप यूज़ करके इनमें लेंथ पे हमेशा 30, 40 या 20 वॉल्यूम की एप्लीकेशन करनी है। अगर कलर ट्रीटेड हेयर है पहले से तो आप 20 और 30 वॉल्यूम यूज़ करें, रूट्स में कोई भी कलर हो 20 वॉल्यूम से एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। अगर आप 30 और 40 वॉल्यूम रूट्स के लिए यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, जिससे कि आपके जो स्कल है, जो फ्रंट वाला एरिया, वो बहुत बुरा लगने लग जाता है। बैक पे लेंथ पे कलर मुश्किल से आता है, इसलिए हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप में से कोई भी फैशन कलर करना चाहता है और ग्रे कवरेज भी करना चाहता है, तो ग्रे कवरेज के लिए आप 6 UC, 7 UC और 8 UC के शेड्स यूज़ करें विद 20 वॉल्यूम जहाँ जहाँ ग्रे कवरेज करनी है। बाकी सारे बालों पर चाहे तो 20 वॉल्यूम के साथ एप्लीकेशन करें, चाहे तो 30 के साथ, जितना आप लाइटर करना चाहते हैं उतना करें। और मज़ीद अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके जल्दी जवाब दूंगी। अच्छा जी, ये वो हेयर कलर्स है जिन पे मैंने 1517 यूज़ किया, इनके बालों में कुछ भी नहीं डाई लगा हुआ था पहले, इसलिए मैंने 40 वॉल्यूम के साथ लेंथ पे एप्लीकेशन की और रूट्स में 20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो रिज़ल्ट मुझे जो मिला था वॉशिंग के बाद वो ये इनका रिज़ल्ट था, स्कल और जो लेंथ थी इक्वल कलर आया था 1517 40 वॉल्यूम के साथ और रूट्स में 20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो अगर इसी तरह आपके अगर बालों में पहले से कोई कलर लगा हुआ है, तो अगर आप लाइट ब्राउन करना चाहते हैं तो आप 20 वॉल्यूम भी यूज़ करके एप्लीकेशन पूरे बालों में कर सकते हो 15-17 के साथ, और 30 वॉल्यूम यूज़, अगर ज़्यादा लाइटर टोन में जाना है 30 वॉल्यूम यूज़ कर लो, अगर ज़्यादा लाइट कलर करना चाह रहे हैं बालों का तो हम 30 वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है। जो कलर ट्रीटेड हेयर्स हैं पहले से उनका बता रही हूँ मैं, जो नेचुरल हेयर हैं जिन पे पहले कुछ नहीं लगा हुआ उसके लिए आप 40 वॉल्यूम यूज़ करें, जिन पे पहले से कलर लगा हुआ है तो उसके लिए आप 20 या 30 वॉल्यूम यूज़ करें, रूट्स में हमेशा 20 वॉल्यूम यूज़ करें, सेम आपका रिज़ल्ट आएगा। और एक जैसा ही इसको टाइम दें, जो डायरेक्ट लिफ्टिंग के कलर हैं इसमें आपने डबल क्वान्टिटी में वॉल्यूम यूज़ करना है, बाकी सारे कलर्स में अगर 60 ml की ट्यूब है तो 60 ml ही
यूज़ करना है वॉल्यूम, ठीक है। तो और अगर ग्रे कवरेज करनी है 15-17 जैसे लाइटर कलर है तो आप 8UC का कलर यूज़ कर सकते हो। क्यों ने 8UC ग्रे कवरेज के लिए विथ 20 वॉल्यूम यूज़ करेंगे। आपने सारी ग्रे हेयर्स पे अपने वो लगा लेना है कलर, बाकी सारी लेंथ पे, बाकी सारे बालों में क्यों ने 15-17 लगा लें आप 30 वॉल्यूम के साथ या 20 वॉल्यूम के साथ, ठीक है, रिजल्ट आपका एक जैसा ही आएगा। और इसके अलावा अगर ज़्यादा आपकी ग्रे कवरेज है तो उसको हम ज़्यादा लाइटर टोन में नहीं ले जा सकते, तो उसके लिए फिर आप 7UC 6UC के शेड यूज़ कर लें। आई होप आपको वीडियो की समझ आ गई होगी, और अब मैं आपको मिलूंगी किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।